जैसे ही किसी भी फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट एंड होती है, वैसे ही हमारे पास क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाते हैं कि हमने आईटीआर मिस कर दी है, कैन वी फाइल नाउ, क्या कोई ऐसा तरीका है। तो आपको बताना चाहूंगी, बजट 2020 जब आप इस बार अनाउंस हुआ था तो उसमें एक अपडेटेड रिटर्न की ऑप्शन शेयर करी गई थी कि हम ऑप्शन देंगे आपको, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाओगे मिस्ड ईयर्स की। ठीक है, तो ये जो अपडेटेड रिटर्न आनी थी अनाउंस कर दी गई थी बजट में, और बजट अब जो है हमारा फाइनेंस बिल अप्रूव हो चुका है, फाइनेंस बिल अब फाइनेंस एक्ट बन चुका है। अब ये जो अपडेटेड रिटर्न है इसका फॉर्म भी नोटिफाई कर दिया गवर्नमेंट ने, दिस इज ITRU। कौन सी नोटिफिकेशन के थ्रू किया है? 29 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आई, जो स्क्रीन पे आपके सामने इसका नंबर है 48/2022। नोटिफिकेशन का ये तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल सर्च करिए मेरा सीए गुरु जी, क्योंकि वहां पे हम इंस्टेंट अपडेट शेयर करते हैं और जल्दी ही हम आपके लिए न्यूज़लेटर भी लाने वाले हैं। तो मेक श्योर हमारे इन सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ जाएं, जिनके सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। तो अब बात करेंगे ITRU की। ITRU के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है अपडेटेड रिटर्न को लाने के लिए? एक तो हमारा जो सेक्शन है 139, उसमें सब सेक्शन आया है 8A, ये भी बात करता है अपडेटेड रिटर्न की। हमारी वेबसाइट studywari.com पे हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं, इनकम टैक्स, GST, कॉम्बो, एक्सेल का कोर्स है, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट। बहुत से पर्सन इनका बेनिफिट ले रहे हैं, आप भी इनका बेनिफिट लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल में डिस्कशन करेंगे वीडियो के एंड में। 8A अपडेटेड रिटर्न की बात करता है, और फिर नया रूल लाया गया है 12AC। ये अगर आप अभी इनकम टैक्स india.gov.in की वेबसाइट पे जाओगे, इनकम टैक्स रूल्स में जाओगे, रूल्स में सर्च करोगे, तो वहां भी अपडेट नहीं हुआ है, जल्दी हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन में लिखा है दिस इज अबाउट अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। और अब देखिए, अब बहुत से पर्सन को कंफ्यूजन थी कि अपडेटेड रिटर्न आएगी कब से, तो वो यहाँ पे लिखा है द रिटर्न ऑफ इनकम टू बी फर्निश्ड बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन इसे भर सकता है, एलिजिबल टू फाइल सच रिटर्न अंडर सबसेक्शन 8A ऑफ सेक्शन 139 रिलेटिंग टू द असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन द डे 1st day of April 2020। तो कौन से असेसमेंट ईयर से ये एप्लीकेबल हो रही है अपडेटेड रिटर्न? 2020-21, यानी कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 2019-20। क्लियर है आपको? क्योंकि रूल ने हमें ये बता दिया। और उसके बाद के असेसमेंट ईयर कौन से हो सकते हैं? 2021 हो गया, अभी और कौन सा चला गया हमारा असेसमेंट ईयर 2021-22। ठीक है, 22-23 की तो अभी आप रिटर्न अभी फाइल करोगे ही, तो ये 2 ईयर्स के लिए अभी आपके सामने आ जाएगी ऑप्शन अपडेटेड राइटर को फाइल करने की। कौन से फॉर्म में? इन द फॉर्म ITRU एंड बी वेरीफाइड इन द मैनर इंडिकेटेड देयर इन। और कैसे वेरीफाई करना है उसकी मैनर यहाँ बता दी है। जो पर्सन है जो ऑडिट कराने के लिए एप्लीकेबल है, कंपनी है, फार्म एक्सेट्रा है, उनको डिजिटल सिग्नेचर से करना है, अदरवाइज EVC और डिजिटल सिग्नेचर दोनों की ऑप्शन रहेगी। नीचे ये फॉर्म दे दिया हमें ITRU का। ITRU अब जो है ना ये अपडेटेड रिटर्न, इसको ध्यान से सुनिए, ये सभी पर्सन फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी नील की रिटर्न थी यू कैन नॉट फाइल, अगर आप लोज दिखाना चाहते हो यू कैन नॉट फाइल, अगर आप रिफंड है आपका रिलीज करना चाहते हो देन यू कैन नॉट फाइल अपडेटेड रिटर्न, आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज करना चाहते हो यू कैन नॉट फाइल ITR अपडेटेड ITR। तो इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं। ठीक है, कुछ पर्सन स्पेसिफिकली इस ITR को फाइल नहीं कर सकते क्योंकि अपडेटेड रिटर्न की ना एक कंडीशन है सेक्शन 140B के अंदर, चालान की डिटेल भरना मैंडेटरी है। यानी कि अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी आपकी बनेगी तभी आप अपडेटेड रिटर्न भर पाओगे। इसकी टाइम लिमिट क्या है? फॉर द पर्सन टू अपडेट इनकम विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, 12 AC का रूल है, फॉर्म ITRU यहाँ नोटिफाई कर दिया आपको। सबसे पहले पार्ट ए में आपकी जर्नल इन्फॉर्मेशन, जो जब ये फॉर्म अभी इनकम टैक्स पोर्टल पे लाइव नहीं हुआ है, जैसे ही लाइव होगा तो ये तो चीजें जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये तो ऑटोफिल होंगी आपको, जैसे ITR में अभी भी मिलती है। जो इम्पोर्टेंट चीजें आपको चेक पॉइंट यहाँ पे लेने होंगे वो है वेदर रिटर्न प्रीवियसली फिल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर। तो ये मतलब है इसका कि अगर अपडेटेड रिटर्न आप भर रहे हो और आपने पहले भी रिटर्न भर दिए तो कोई गलती की करेक्शन करो तो भी आप भर सकते हो। तो आपको येस और नो में आंसर देना है। अगर पहले भर रखी है तो एक्नॉलेजमेंट का नंबर वगैरह बताना है। आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न? तो देखिए, मैंने कहा ना अपडेटेड रिटर्न की कंडीशन है, तो आपसे ड्रॉप डाउन लिस्ट में कंडीशन पूछी जाएंगे किस कंडीशन के बेस पे आप भरने आए हो अपडेटेड रिटर्न। ऐसे नहीं आपको भरने दिया जाएगा, और अपडेटेड रिटर्न के साथ साथ ही आपको ITR का जो भी फॉर्म आपके एप्लीकेबल है वो भी भरना है। तो प्लीज चूज द ITR फॉर्म फॉर अपडेटिंग यूर इनकम ITR 127 टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। तो जब ये पोर्टल पे लाइव होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट वहां पे आ जाएगी।
रीजन क्या है, रीजन ये वाले बताने, इन रीजन के लिए आप ITR 7 भर सकते हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जाने। रिटर्न प्रीवियसली नॉट फिल्ड, इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, रोंग हेड ऑफ इनकम चूजन, रिडक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, रिडक्शन ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115JV and JC, रोंग टैक्स क्रेडिट एंड अदर्स, यानी कि जो मैंने आपको पहले बता दिया ना कि लॉस के केस में, नील के केस में, रिफंड को रिड्यूस करने के केस में, टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के केस में आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। देन आपसे पूछा जाएगा आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड, क्या इस पीरियड से इस पीरियड में भर रहे हो, पहले अप टू 12 months, क्यों पूछा जा रहा है इससे, इसके अकॉर्डिंग जो आपसे इसमें लेट फी चार्ज करी जाएगी ना, यस इसकी फीस है, जो फीस चार्ज करी जाएगी ना वो अकॉर्डिंग टू दीज मंथ्स है, 12 महीने तक भरोगे फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो अमाउंट थोड़ा कम है, 12 से 24 महीनों के बीच में भरोगे तो अमाउंट थोड़ा ज्यादा है। और अगर अपडेटेड रिटर्न के बारे में डिटेल में जानना है ना तो ये वीडियो देख लीजिए, मैंने आई बटन पे लिंक कर दिया, पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है बजट के प्रोविजन के थ्रू, वीडियो जरूर देखे ना, मैंने आई बटन पे भी डाल दिया और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न टू रिड्यूस कैरी फॉरवर्ड लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और टैक्स क्रेडिट, यस या नो बताना है, अगर यस करोगे तो फिर फर्दर क्वेश्चन है तो पर्टिकुलर आप इनके रिप्लाई करते रहेंगे, देन आपकी कंप्यूटेशन, आपको जो जो स्टेप्स हैं उस हिसाब से डालना है। और देखिए ये आ गया हमारा सेक्शन 140B, टैक्स पेमेंट्स ओनली एज पर अपडेटेड रिटर्न, डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न, तो आपको इसके साथ टैक्स एंड फी जो भरनी है वो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन और यहाँ पे बतानी है, ठीक है। जब ये फॉर्म लाइव होगा पोर्टल पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इस तरह से ये फॉर्म आपको यहाँ पे नोटिफाई करके दे दिया है, अभी नोटिफिकेशन के थ्रू आया है, जल्दी ही पोर्टल पे हो जाएगा लाइव। जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं अभी भी अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड, पहले तो वो वीडियो देख लेना मेरी बेसिक वीडियो, जो मैंने अपडेटेड रिटर्न के सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए थे, कितने लेट फी है, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, वो देख लेना। उसके बाद भी कोई पॉइंट आ रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि जो फ्यूचर में लाइव होने पर ये वीडियो आएगी ना अपडेटेड रिटर्न की, तो आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाए। और हाँ, मुझे पता है आपने हमारे चैनल पे आके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर रखा है, बट बहुत सारे पर्सन ना ये बेल आइकन प्रेस नहीं करते, इसे प्रेस करो, ऑल पे क्लिक कर लो, तो कोई भी आप हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे, जो भी आपके लिए रिलेवेंट वीडियो आप उसे देखो, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए क्या वीडियो अपलोड हो रही है, तो इस बटन पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। हमारा इनकम टैक्स कोर्स जो है ये है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, इसमें हम सीखेंगे ITR 1, 2, 3, 4, चाहे आप अपनी भरें या किसी और की भरें, यानी आप प्रोफेशनल बन सकते हैं इस कोर्स को लेके, ठीक है, तो इसका बेनिफिट लीजिए। जीएसटी आपको सीखना है तो अपडेटेड जीएसटी कोर्स आपके लिए अवेलेबल हो गया, बेनिफिट लीजिए इसका, दोनों का कॉम्बो अवेलेबल है, कुछ पर्सन चाहते हैं कि हम दोनों ही सीखना है हमें, तो कॉम्बो ले लीजिए, इसमें और भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और हमारा एक्सेल का कोर्स है, ये मोस्ट पॉपुलर कोर्स है, बैलेंस शीट बनाना, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, इन सभी कोर्सेज के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और हमें ना सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि अब हमारे studybuddy.com की जल्दी ही न्यूज़लेटर हम स्टार्ट कर रहे हैं, विच विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू, और अभी हम जल्दी ही अनाउंस कर देंगे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर लें, वहाँ भी ये जो न्यूज़लेटर है शेयर हो जाएगी, तो जो भी हमारे पर्सन हमारे साथ जुड़ेंगे, जितने भी हमारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है वो एजुकेशनल न्यूज़लेटर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।